इवेंट माइक्रो प्रोग्रामिंग आज की हमारी टॉपिक है। अब ये जानते हैं कि इवेंट माइक्रो प्रोग्रामिंग की जरूरत क्यों है। देखिए, अभी कुछ भी आपने एक माइक्रो बनाया तो उसको आप माइक्रो में जाकर रन करना। कभी कभी क्या है कि हम चाहते हैं कि माइक्रो खुद ब खुद रन हो। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको हम समझाते। जैसे एक छोटा सा मैं यहाँ पे एक डैशबोर्ड बनाता हूँ नेम वाइज और मंथ वाइज। एक छोटा सा मैं एक चार्ट बनाता हूँ। अब प्रॉब्लम ये है कि ये चार्ट मैंने बनाया, ये जो डेटा बनाया इसके ऊपर मुझे चार्ट बना। अब यहाँ पे दिक्कत यह है कि ये कई सारे डेटा हैं। अगर इन सब के ऊपर सेलेक्ट करके अगर इंसर्ट हम अगर चार्ट करते हैं तो प्रॉब्लम होगी। क्या होगी प्रॉब्लम? क्यों समझ में नहीं आया? ऐसे भी मुझे हर एक बंदे का इंडिविजुअली मंथली कंपेयर करना है। हमें पूजा और मोहन के बीच में क्या चीजें चल रही है ये कंपेयर नहीं करना। तो इस केस के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला मेंशन करके एक बना रहा हूँ। मैंने यहाँ पे एक ऑफसेट का फॉर्मूला लगाया, इसको सिलेक्ट किया। ऑफसेट में बोला कि ऑफसेट में हमने यहाँ नेम को सिलेक्ट कर लिया और comma 1, comma 0 कर दिया। तो एक ऑफसेट ने क्या किया, यहाँ से पहले रो का डेटा लेके दे दिया और आगे ड्रैग करने के लिए हम इसको फिर ये जो 1 की है ना लिखे हैं इस 1 को इससे लिंक कर देते हैं और इसको फ्रीज कर देते हैं और फिर आगे के तरफ हम जो। और इस पे हमने चार्ट बना, ठीक है? यहां तक समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? इसमें हम क्वेश्चन है कि मुझे क्या करना है कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो पूजा का डेटा आ जाए, अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ तो मोहन का डेटा आ जाता है। क्योंकि यहाँ पे 1 करता हूँ यहाँ 2 करूंगा तो क्या है? मोहन आएगा। 3 करूंगा तो कविता आएगा। तो नंबर चेंज करने से डेटा मेरा चेंज हो रहा है। तो मेरा सिंपल से ज्यादा कि जब यहाँ करूँ तो यहाँ 1 आया, इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे 2 आया। ऐसे केस के लिए मैं इवेंट माइक्रो प्रोग्रामिंग करूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे जो जहाँ क्लिक करूँ उसका नंबर यहाँ डालना है, इसका माइक्रो बनाना है और इस माइक्रो के लिए हमें इस माइक्रो के लिए क्या करना है, हमें रन नहीं करना है। ये माइक्रो मुझे रन नहीं करना। ठीक है, तो इसके लिए हम राइट क्लिक करेंगे और जाएंगे मूव, यहाँ पे मूव और कॉपी। कहाँ जाएंगे? मूव एंड सॉरी माफी, वो मूव के लिए व्यू कोड, मूव एंड कॉपी के ऊपर होता है व्यू कोड। इस व्यू कोड पे करेंगे। अब यहां पे सेलेक्ट करेंगे लोकेशन जो कि हमारा वर्कशीट है और यहां आता है इवेंट।
आपका माइक्रो कब रन हो, तो मेरा है सिलेक्शन चेंज क्यू। तो सिलेक्शन चेंज में क्या करना है, तो हमें सिंपल सा जिसपे क्लिक करूंगा वो क्या कहलाएगा, टारगेट कहलाएगा। तो टारगेट का जो रो नंबर है वो मुझे A13 में एक करके डालेगा कि यहाँ 2 से स्टार्ट है ना, तो मुझे यहाँ एक डालना है, एक माइनस करके डालना। तो मैंने यहाँ पे सिंपल सा लिखा टारगेट डॉट, यहाँ पे रेंज रेंज A13 डॉट वैल्यू इक्वल टू टारगेट डॉट रो -1। अब यहाँ पे मैं रेंज A1 B1 C1 क्यों नहीं किया, क्योंकि ऐसा कोई गारंटी थोड़ी कि बंदा कहाँ क्लिक करेगा, लेकिन जहां भी क्लिक करेगा ऊपर यहाँ पे डिफाइन है बाय वेयर टारगेट एज ए रेंज, जो भी क्लिक होगा ऑटोमेटिकली वो टारगेट पे चला जाए। ठीक है, अब करेंगे सर, खोले दिखाए सर करके, अब देखिए दिखा, जैसे 5 है तो 4 आ गया, 3 आ गया। तो आप कभी कभी क्या होता है कि जब हम इवेंट करें उस इवेंट के ऊपर मेरा माइक्रो ऑटोमेटिकली रन हो जाए, इस केस में हम यूज करते हैं इवेंट माइक्रो प्रोग्राम। कंसेप्ट समझ में आया आप लोगों को, संदीप जी, विपिन जी, निजाम जी? ठीक हेलो, चलिए इसके और एग्जांपल देखते हैं। अब इसी के अगला एग्जांपल ये है कि मैं यहाँ पे कुछ डेटा एंट्री कर रहा हूँ, जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे अपना नेम लिखूँ। नेम में यहाँ नेम लिखने के बाद यहाँ डेट एंड टाइम खुद ब खुद आ जाना चाहिए। ठीक है, सिस्टम का डेट एंड टाइम ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ऐसे केस में हमने बताया कि जहां पे जिस ऑब्जेक्ट पे होना है इवेंट उसी पे जाके कोड करेंगे, व्यू कोड। और यहां पे हम सिलेक्ट करेंगे लोकेशन और यहां पे सिलेक्ट करेंगे चेंज, क्या करेंगे चेंज। और यहाँ पे सिंपल करना है कि टारगेट जहां पे टाइप होगा उसकी अगली कॉलम, अगली कॉलम जाने के लिए ऑफसेट यूज करेंगे कि ऑफसेट 0,1 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, हमने बोला डेट। सेम ऐसे ही कि टारगेट डॉट ऑफसेट और हमारा दूसरा कॉलम डॉट वैल्यू इक्वल टू टाइम। बट यहाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है बताता हूँ। हमने क्या बोला कि यहाँ पे टाइप करे तो मेरा कोड रन हो गया। ठीक है, हम कोड में क्या कर रहे हैं, हम कोड में क्या कर रहे हैं, हम कोड के अंदर चेंज ही कर रहा है। होगा क्या, हमने बोला कि भाई जब यहाँ कोई चेंज हो तो कोड रन करो, और कोड के अंदर ही हम चेंज कर रहे हैं। क्या सर, ये क्या होगा,
एक यहाँ पे टाइप होगा तो ये चलेगा, ये भी टाइप करेगा फिर चलेगा, मतलब आपका माइक्रो चलता रहेगा, स्टॉप ही नहीं होगा, नॉन अनस्टॉपेबल हो जाए। समझ में आया? तो क्या करें इसके लिए? तो इसके लिए छोटा सा कोड लिखना पड़ेगा, एप्लीकेशन की सेटिंग करना हो कि एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले, नहीं यहाँ पे अनेबल इवेंट, अनेबल इवेंट्स होगा इक्वल टू कॉल, और फिर दूसरा बार भी चले तो क्या करना है यहाँ पे, ट्रू कर। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि यहाँ पे अगर मान लीजिए मैंने पूजा लिख के एंटर मारा, तो आप देखिए यहाँ पे नेम और यहाँ पे आ, ठीक है, ओम लिखा तो आ। इस तरह से हम अपना क्या करते हैं, इवेंट लिखते हैं। लेकिन सिर्फ इवेंट को लिख देना ही काफी नहीं है, हमें उसकी कंडीशन से वैलिडेशन भी करना होता है। जैसे एग्जांपल में यहाँ देखिए, मैंने बोला यहाँ पे क्लिक करना है, बट प्रॉब्लम यह है कि मैं कहीं भी क्लिक करूंगा तो चलेगा, तो यहाँ आपको वैलिडेट करना होगा कि भाई क्लिक कहाँ पे करना है। जैसे मैं चाहता हूँ कि क्लिक अगर A2 से लेके A9 तक हो तभी मेरा कोड चले, अदरवाइज ना चले। ऐसे केस में यहाँ हमें कंडीशंस लगाना कि इफ टारगेट डॉट रो इज, यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन करते हैं सही रहे बनेगा, यहाँ पे आर इक्वल टू टारगेट डॉट रो, और यहाँ पे आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू एंड आर इज लेस देन इक्वल टू 9 एंड टारगेट डॉट कॉलन इक्वल टू 1 देन चले, अदरवाइज यहाँ है। ठीक है, तब क्या हुआ कि अब मैं यहाँ एंड इफ करना, अब यहाँ पे मैं क्लिक करूँ तो कुछ नहीं हो रहा है, जैसे क्लिक करूंगा आ गया, आ गया, इसके आगे क्लिक कर रहा हूँ तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो समझे कि नहीं सर? तो अब जैसे कि यहां भी देख लें कि मैं चाहता हूं कि मैं टाइप अगर कॉलन ए में करूं तभी वर्क हो, अदरवाइज वर्क ना हो, तो यहां भी सेम ऐसे ही करना पड़ेगा व्यू कोड के अंदर कंडीशंस कि इफ टारगेट डॉट कॉलन इक्वल टू 1 देन ये चले, अदरवाइज ना चले। ठीक है, यहाँ पे ला लिए उदय रूम मनी, तो इवेंट दो तरह के होते हैं, एक इवेंट जो एक सीट के अंदर होते हैं, दूसरा इवेंट जो होता है जो फाइल के अंदर होता
है। कैसे? जैसे मैं चाहता हूं कि जब भी सीट इंसर्ट करूं मुझसे नाम पूछे, और जो नाम डालू वही नाम इसके अंदर डालू जब भी सीट इंसर्ट करूं। ठीक है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे? तो हम आते वापस इसमें। अब जो इवेंट आपको फाइल पे करने हैं, मतलब कि जो इवेंट आपको फाइल पे करने हैं, तो इवेंट हम क्या करेंगे? हाँ, वर्कबुक, दिस वर्क, इस पे मैं यहां से सेलेक्ट करूंगा वर्कबुक, और यहां पे आते हैं इवेंट। बहुत सारे इवेंट है, तो इसमें मैंने डाला एड शीट, न्यू शीट करके आया होगा, न्यू शीट। अब इसमें हम करेंगे कि जब भी न्यू शीट हो तो यहाँ पे हमने बोला कि डिम आर एज ए स्टूडेंट, डिम आर एज ए स्ट्रेंथ और आर इक्वल टू इनपुट बॉक्स में डाला कि एंटर सीट नेम, और फिर यहाँ एसएफ जो आपको दिख रहा है कंडीशन देना हो कि इफ आप यहाँ पे लेन लेन आर इज ग्रेटर देन जीरो देन एस एच डॉट मेल। अब एस एच क्यों लिखा? एस एच लिखने के पीछे पर्पस ये है कि मैंने यहाँ पे वेरिएबल एस एच एज ऑब्जेक्ट जो सीट है उसको एच एच माना गया है। ठीक है, तो क्या माना गया है? एस एच माना है। इसलिए और यहाँ पे एस एस एच एंड एस प्लीज एम एस सी मॉक्स यू हैव नॉट एंटरिंग सीट न्यू ब्रेक यहाँ पे। अब जैसे मैं यहाँ पे अपना कोई भी सीट ऐड करूंगा तो मुझसे पूछेगा सीट नेम। अगर मैंने सीट नेम नहीं डाला तो यहाँ पे मैसेज आएगा जो सीट डिफॉल्ट सीट 4 सीट 5 वही रहे, लेकिन अगर मान लीजिए इसके अंदर कोई नाम डाल दिए तो जो नाम मैंने डाला वही सीट में है। ये तो मैं कुछ बेसिक चीजें बताया, बट इसी तरह के आप और भी चीजें कर सकते हैं। तो चलिए एक काम मैं देता हूँ, जैसे कि सीट 2 को ही लीजिए। हमने सीट 2 में क्या किया कि जो भी हम यहाँ पे जो भी नाम डालेंगे उसके सामने उसका डेट एंड टाइम आ जाए। ठीक है विपिन जी, संदीप जी, यही रखा था ना? अब इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको ये करना है, एक सिंपल सा एडिशन ये करना है कि यहाँ पे अगर मैं कोई चेंज करना चाहूँ तो चेंज मैं कर सकता। ठीक है, मतलब जो पहले से नाम डला है वो ठीक है, अगर उस नाम को अगर मैं चेंज करना चाहूं तो चेंज ना कर सकूं कोई भी डेटा। एक बार एंट्री हो गई तो हो गई, नो बडी चेंज। समझे?
हो जाएगा सर?